दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में जो आपके सामने ये दवा है, जो प्रोडक्ट है, वो सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है रोको, जो कि रोको कैप्सूल है। और इसका इस्तेमाल जो है वो डायरिया में किया जाता है। दोस्तों, ये डायरिया को ठीक करता है, लेकिन ये डिजेंट्री, जो डायरिया विद ब्लड, यानी कि जो बाथरूम होता है, स्टूल होता है, उसमें अगर खून आने लगता है, उसको डिजेंट्री बोलते हैं, ये उसको ठीक नहीं करता है। ये नॉर्मल जो डायरिया, यानी कि लूज मोशन, जो बार बार बाथरूम आता है, आपको लैटरिंग आती है, उसको ये ठीक करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, कि आप में से 90% लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको दवाइयों के बारे में इंटरेस्ट है, आप दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो रोको कैप्सूल है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वह है लोपेरामाइड, जिसका अमाउंट, जिसकी मात्रा इसमें 2 mg है। इसको लेने के तरीके की बात करें दोस्तों, तो रोको कैप्सूल आप खाने के साथ और खाने के बाद ले सकते हैं, आपका डॉक्टर जिस तरह आपको बताए आपको उस तरह लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ही ऊपर करना है, जैसा वो बताए आपको उसी तरह इसका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल बीच में नहीं बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप एक आध गोली लेके इसको छोड़ देते हैं, अगर आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती और आप इसको बीच में छोड़ देते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी वापस आ जाएगी। इसीलिए जो जितना कोर्स आपका डॉक्टर बताए पूरा कोर्स करें, जिससे कि आपकी जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। सभी दवाइयों की तरह दोस्तों, इस दवा के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि आपका सर दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, या कब्ज़ हो सकता है। आपको घबराया नहीं, सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा है कि आपके साथ हो, लेकिन अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको फील होते हैं तो वो टेम्परेरी है, यानी कुछ देर का है। धीरे धीरे वो सारे साइड इफ़ेक्ट दवा का इस्तेमाल बंद करते ही चले जाएंगे। अगर आपको कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट फील होता है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। दोस्तों, डायरिया से आपको वाटर लॉस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके बदन में जो पानी होता है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, कम हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपकी बॉडी को फिट रखता है, आपको एनर्जी देता है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, यानी उसका बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए डायरिया के टाइम पर आपको लिक्विड वाली चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप हाइड्रेट रह सकें, यानी कि आपकी बॉडी में जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं टैबलेट, इसकी MRP, इस कैप्सूल की MRP 20 रुपये है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इस डायरिया के रोको कैप्सूल के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हो या इसके बारे में कुछ कहना या बताना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बना के 50% अपना काम करते हैं, बाकी का काम आपका है। तो फ्रेंड, मैं जल्दी ही फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।